19 फरवरी की शाम में एक बांग्ला रिपोर्टर संदेश कली में रिपोर्टिंग कर रहे थे, तभी उन्हें बंगाल पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। ये क्या हो रहा है देश में? क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने की जगह पर रिपोर्टर्स को अरेस्ट किया जा रहा है। नमस्कार, तो कैसे हो दोस्तों? मीडिया जिससे हम, आप, पूरा देश ये एक्सपेक्टेशन लगाता है कि कुछ लॉजिकल टॉपिक्स पर वीडियो बनाएगी, पर हमारी मीडिया क्या दिखाती है? ये सचिन, इसको देख के कुछ तो पहले से ही झिंगुर सा था लड़का, अब ऐसा हो गया जैसे टायर में से हवा निकल गई, पंचर हो गया। मीडिया जिसे हम डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ बोलते हैं, उसका खुद का स्तंभ हिला हुआ। मीडिया जो हमारे भारत के मुद्दों को ग्लोबली रिप्रेजेंट करता है, वो पूरी दुनिया में कुछ ये दिखा रहा है। एलियंस ने गाय की गाय, क्या एलियन गाय का दूध पीते हैं? और ये हाल सिर्फ इंडिया के न्यूज चैनल्स का ही नहीं है, बल्कि इन्फ्लुएंसर्स का भी है, जो कि न्यूट्रल का ढोंग रचते हैं और बायस्ड न्यूज दिखाते हैं। कुछ गोदी इन्फ्लुएंसर्स तो अंधभक्ति में इतना डूब जाते हैं कि बीजेपी का प्रवक्ता बन जाते हैं, और वहीं दूसरे ओर तो कुछ अपना पूरा का पूरा करियर केजरीवाल और गांधी परिवार के करतूतों को छुपाने में लगा देते हैं। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि ये गांधी मीडिया वाले मणिपुर के इंसिडेंट पे 10 वीडियोस बना डालते हैं, बट इन्हीं बंगाल का इंसिडेंट दिखता ही नहीं है। और फिर यही लोग ये वीडियो बनाते हैं कि देश का मीडिया बिक चुका। बात तो सही ही बोलते हैं, मीडिया तो बिक ही चुका है। कुछ गोदी मीडिया हो गया है तो कुछ गांधी मीडिया हो गया है, और यही कारण है कि हमें हमारे देश को आज मीडिया रैंकिंग में नीचे से ढूंढना पड़ता है। इंडियन मीडिया 19वें नंबर पे आती है पूरे वर्ल्ड में, बस फर्क यही है कि नीचे से आती है। आज 180 देश की लिस्ट में इंडियन मीडिया का रैंक 161वां है। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान भी हमसे ऊपर हो गया है। पाकिस्तान का रैंक 150th है। तो चलिए समझते हैं कि मीडिया की दुर्गति के पीछे आखिरकार असली वजह क्या है। रीजन नंबर 1, इंटरफेरेंस ऑफ बिग कॉर्पोरेट्स इन मीडिया। आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स मीडिया के साथ आकर के पैसों के दम पर वैसे न्यूज चलाते हैं जिससे व्यूअर्स इन्फ्लुएंस होकर के उनके प्रोडक्ट को बाय करें। मतलब मीडिया आज एक ऐसा मशीन बन गया है कि एक तरफ से व्यूअर डालो, दूसरे तरफ से कंज्यूमर निकालो। रीजन नंबर 2, मीडिया का ब्लैकमेल। जी हाँ, सही सुना आपने, पैसों के लिए मीडिया ब्लैकमेल करती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें दिखा था 2012 में, जब जी न्यूज और जी बिजनेस के बड़े एडिटर्स पर ये इल्जाम लगा था कि इन्होंने नवीन जिंदल से कूल स्कैम वाला न्यूज न चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। रीजन नंबर 3, फेक न्यूज। मीडिया पैसों के लिए कुछ भी न्यूज पब्लिश कर देता है, कोई भी न्यूज दिखा देता है। और ये फेक न्यूज का चलन AI आने के बाद और भी ज्यादा तीव्र गति से फैलने लगा है। फेक न्यूज के कारण बहुत सारे दंगा भड़कते हैं, फेक न्यूज के कारण बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जाने जाती है। 2013 में मुजफ्फरपुर राइट्स जो हुआ था, उसमें सबसे बड़ा अहम रोल फेक न्यूज का था। मणिपुर में जो राइट हुआ था, उसका शुरुआत एक फेक न्यूज से हुआ था, और दिल्ली राइट्स में भी फेक न्यूज ने ही आग में घी डालने का काम किया। फेक न्यूज इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा कंसर्न बनते जा रहा है। रीजन नंबर 4, फेक न्यूट्रल इन्फ्लुएंसर्स। आज के समय में लगभग सभी मीडिया चैनल्स बिके हुए हैं, और उनके सारे डेटा या तो बायस्ड होते हैं या तो थोड़े बहुत मैनिपुलेटेड होते हैं। लेकिन आज के समाज में सबसे ज्यादा जहर वो लोग घोल रहे हैं जो खुद को न्यूट्रल होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके कंटेंट से वो न्यूट्रल कतई नहीं दिखते। जैसे हमारे प्यारे रवीश कुमार और प्यारे ध्रुव राठी। जब मणिपुर जल रहा था, तब रवीश कुमार लगभग 5 वीडियोस अपलोड कर देते हैं उस टॉपिक पर। लेकिन जब बंगाल की संदेश कली में हजारों महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था, बलात्कार हुआ था, तब रवीश कुमार के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। वैसे ही जब मणिपुर जल रहा था, तो ध्रुव राठी 2 वीडियोस बना डालते हैं मणिपुर के इंसिडेंट पर। लेकिन जब उनसे ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था कि बंगाल में होने वाले इंसिडेंट्स पर भी वो कुछ बोलेंगे, उन्होंने बंगाल के इंसिडेंट पे कुछ नहीं बोला। सच्चाई तो ये है कि आज देश का मीडिया 2 गुटों में बट चुका है, एक तो हमारा जाना पहचाना गोदी मीडिया और दूसरा हमारा गांधी मीडिया। और विडम्बना तो ये है कि फिर यही क्रिएटर्स अपने वीडियो में दूसरे मीडियाज को गोदी मीडिया बुलाते हैं और खुद को न्यूट्रल बोलते हैं। मैं रवीश कुमार से पूछना चाहूंगा कि क्या बंगाल भारत देश का हिस्सा नहीं है? क्या संदेश खली में जो हुआ था
वो सही हुआ था? क्या सच्चा पत्रकार देश के हर एक कोनों के मुद्दों को कवर नहीं करता है? रवीश कुमार जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जिस निष्पक्ष पत्रकारिता की आप बात करते हैं, जिस निष्पक्ष पत्रकारिता की आप ढोंग रचते हैं, उसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि केंद्र सरकार पे ही हमेशा निशाना साधा जाए। उसका मतलब ये भी होता है कि अगर दूसरे राज्यों में कहीं गलत हो रहा है तो उस पे भी सवाल खड़ा करना। उसका ये भी मतलब है कि दोनों गुटों की बातों को रखना, दोनों पक्षों को रखना, सभी को फटकार लगाना, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य सरकार में। और अगर आप सिर्फ किसी एक ही पार्टी विशेष को फटकार लगा रहे हैं और दूसरे के लिए मौन धारण कर ले रहे हैं, फिर तो ये क्लियर साबित होता है कि आपका भी हाल बाकी मीडिया चैनल्स की तरह ही हो चुका है। और यही कारण है कि जब न्यूट्रल क्रिएटर्स, न्यूट्रल इन्फ्लुएंसर्स और न्यूट्रल मीडिया का ये हाल होगा तो भारत का रैंकिंग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वां होगा। रीजन नंबर 5, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। आज मीडिया पे हद से ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर देखा जा सकता है और जिस कारण से मीडिया अपने एथिक्स के राह पर से पूरी तरह से भटक चुका है। और जो जर्नलिस्ट एथिकल बातें भी करते हैं तो उन्हें प्रेशर डाल करके हटवा दिया जाता है। 2005 से लेकर के अभी तक लगभग 13,000 जर्नलिस्ट ने अपने पदों का त्याग कर दिया है। मीडिया पे गवर्नमेंट का कंट्रोल देखा जा सकता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें दिखता है 1975 में। जब 1975 में इमरजेंसी लगा था तब उस दौरान तत्कालीन सरकार के द्वारा किसी भी आलोचना को बर्दाश्त नहीं किया जाता था और पत्रकारों को बेवजह जेल में धकेल दिया जाता था। और आज के समय भी देश का कुछ वही हाल है। रीजन नंबर 6, टीआरपी का गेम। आज भारत में लगभग 700 से भी ज्यादा मीडिया चैनल्स हैं, 82,000 से ज्यादा न्यूज़पेपर्स हैं, 1500 से ज्यादा रेडियो स्टेशंस और हजारों हजार यूट्यूब न्यूज चैनल्स। इतनी बड़ी है हमारे देश की मीडिया की साइज, पर देश की मीडिया की क्वालिटी इतनी सी भी नहीं। देश की मीडिया का साइज इतना बड़ा है जिस कारण से कॉम्पिटिशन भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, और ज्यादा कॉम्पिटिशन मतलब ज्यादा हारने का डर, जिस कारण से टीआरपी के लिए क्रिकेट, पॉलिटिक्स, सेलिब्रिटी का लाइफ, रिलीजन और कास्ट के नाम पे ही कंटेंट बनाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स अट्रैक्ट हो सके। और देश के प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है। डेवलपमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, इन सभी टॉपिक्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज देश में मीडिया का स्थिति वैसा ही है जैसे एक दलदल में फंसा हुआ हाथी। जिस प्रकार से हाथी के पास असीमित बल होता है, वैसे ही मीडिया में भी असीम शक्ति समाहित होती है, लेकिन जिस प्रकार से हाथी दलदल के चपेट में आकर के निकल नहीं पाता है, वैसे ही आज मीडिया को केंद्र सरकार के द्वारा खरीदा जा रहा है और ममता दीदी के द्वारा रिपोर्टर्स को गिरफ्तार करवाया जा रहा है। और इस भाषण के बीच में सच्चे निष्पक्ष पत्रकारिता की भी हत्या की जा रही। आज लोगों के बीच में निष्पक्ष मीडिया का ऑप्शन लगभग ना के बराबर। वीडियो के लास्ट में मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि जो भी आप ऑनलाइन देखते हैं उस पे आंख बंद करके भरोसा ना करें। उस पे आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर ले, थोड़ा बहुत आप जानकारी खुद कलेक्ट कर ले और ये जरूर देख ले कि कहीं डेटा को मैनिपुलेट तो नहीं किया गया है।